हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो आज हम ये वीडियो आप लोगों के लिए एनसीएस के रिगार्डिंग लेके आ रहे हैं, जिसमें हम ये पता है कि एनसीएस में, वाइवा में या कहीं भी इंडस्ट्री में इंटरव्यू में बेसिक क्वेश्चन आपसे कैसे पूछा जाएगा। तो आइए देखते हैं। तो पहला तो आपसे पूछेगा कि, एक मिनट, पहले आपसे पूछेगा कि एनसिस होता क्या है। तो हम लोग अगर बात करते हैं एनसिस का, तो सबसे बेसिक क्वेश्चन यही होता है कि एनसिस होता क्या है। सबसे बेसिक क्वेश्चन यही होता है कि एनसिस होता क्या है। तो कहीं भी आप जाइएगा, किसी भी इंटरव्यू में, अगर आप एनसिस के थ्रू जाए, एनसिस आपका एनसिस सॉफ्टवेयर की है, वहाँ पे अगर आप सर्टिफिकेट में शो कर रहे हैं अपने रिज्यूम में कि एनसिस हमने किया है, तो अगर इंटरव्यूअर चाहे तो आपसे सबसे बेसिक क्वेश्चन में आपको फंसा सकता है। वो क्या है कि एनसिस होता है क्या। आपने एनसिस तो किया है, लेकिन आप जनरली ये क्या करते हैं ना कि अरे एनसिस कौन पूछेगा, छोड़ो इसको नहीं पढ़ते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा क्वेश्चन स्टार्टिंग यहीं से होता है। तो आइए देखते हैं एनसिस क्या होता है। एनसिस होता है ना, जो एक एनालाइजिंग सॉफ्टवेयर है, जो क्या करता है कि मैकेनिकल प्रोडक्ट, मैकेनिकल में जो प्रोडक्ट का डिजाइन हम लोग करते हैं उसको एनालाइज करता है ये सॉफ्टवेयर। और सिविल का जो हम लोग स्ट्रक्चर डिजाइन करते हैं, तो जैसे देखिए, हम लोग कोई प्रोडक्ट बनाना है तो उसका पहले उसका प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर बनाएंगे, उसके बाद उसको एक चूट वगैरह करेंगे, उसके बाद उसका एनालाइसिस करेंगे। तो देखिए, इसमें मैकेनिकल के लिए प्रोडक्ट डिजाइन डिजाइन का और सिविल में स्ट्रक्चर डिजाइन का एनालिसिस करना, इसका हम एनालिसिस करते हैं। ये इंडस्ट्री में किया, ज़्यादातर इसका यूज इंडस्ट्री पर्पस के लिए किया जाता है। जैसे कोई भी इंडस्ट्री है, जैसे कोई कार वगैरह बना रहा, तो उस कार का मॉडल तो बना गया, स्ट्रक्चर बन गया उसका, उस कार का मॉडल हम लोग बना लिया, उसको फिर एनालाइज करेंगे कितना कितना फोर्स कहाँ पे लग रहा है और कहाँ से ये ब्रेक होगा। ऐसे हम लोग समझिए ना कि ऐसे हम लोग वर्चुअल में कार वगैरह बना देंगे और उसके बाद हम लोग रोड पे चला के देखेंगे, तो उसमें पता चलेगा वो अगर फेल कर जाता है तो हमारा तो सारा पैसा लॉस हो जाएगा, उतना बनाने में जो लगा वो लॉस। तो एनसीएस सॉफ्टवेयर है ना, उसमें क्या करते हैं हम लोग, उसको हम लोग यहीं पे सॉफ्टवेयर पे ही उसको डिजाइन हम लोग कर लेते हैं, बना लेते हैं, सारा चीज एनालाइज करके देख लेते हैं कि हम लोग का कार कैसे चलेगा और कितना उसमें कब डिस्ट्रॉय होगा, कब फ्रैक्चर करेगा, ये सब चीज़। तो एनसिस ज़्यादा कुछ नहीं, एनसिस एनालाइजिंग सॉफ्टवेयर है जिसमें हम लोग मैकेनिकल का प्रोडक्ट डिजाइन और सिविल का स्ट्रक्चर डिजाइन को एनालाइज करते हैं। बस अब देखिए, आगे आते हैं हम लोग, तो आगे देखते हैं कि, देखिए जब एनसिस का बात की जाए ना, तो वहाँ पे एफईए जरूर आता है। तो ये जानते हैं कि एफईए होता क्या है। देखिए, एफईए का मतलब होता है ना, फिनाइट एलिमेंट एनालिसिस। ये फिनाइट एलिमेंट एनालिसिस होता है। ये फिनाइट एलिमेंट एनालिसिस होता क्या है, देखिए, हम लोग कोई भी फिजिकल फेनोमेना जो भी है, उसको हम लोग न्यूमेरिकल टेक्निक से हम लोग जो सॉल्व करेंगे ना, उसी को हम लोग फिनाइट एलिमेंट एनालिसिस बोलते हैं। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। अब देखिए, सबसे मेन टॉपिक जो आता है ना, वो होता है मेसिंग। देखिए, किसी भी चीज़ को पहले तो आप कहते हैं ये तो बेसिक हो सकता है, एनसिस क्या होता है, एपीए क्या होता है। अब देखिए, उसके आता है मिसिंग, मिस होता क्या है, मिसिंग होता क्या है और मिसिंग करते कैसे हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो मिसिंग क्या होता है, मिसिंग ज़्यादा कुछ नहीं है। वो देखिए, आपका कैड मॉडल जो होता है ना, उसको हम लोग एपीए मॉडल में कन्वर्ट करने को उसको हम लोग बोलते हैं मिसिंग। देखिए, जनरली हम लोग बात में समझते हैं कि मिसिंग होता है, एक बड़ा सा कोई एलिमेंट है, मान लीजिए ये बड़ा सा कोई एलिमेंट है, ठीक, एलिमेंट है, इसको हम लोग क्या करेंगे ना, इस पे एनालाइज करना ज़्यादा डिफिकल्ट होगा, क्योंकि इतना बड़ा एलिमेंट है, इस पे हम लोग को एनालाइसिस करेंगे। लेकिन अगर इसी को हम लोग छोटा छोटा पार्ट में तोड़ दें इसको, और उसके बाद हर एक एलिमेंट को हम लोग एनालाइज कर लें, तो वो सिर्फ अच्छे से एनालाइज हो जाएगा, इसका इसका सारे इस बॉडी का सारा एक एक चीज पता चल जाएगा कि कब ये फ्रैक्चर होगा, कितना फोर्स लग रहा है, क्या लग रहा है, किस पार्टिकल पे हो लग रहा है, कौन सा पार्टिकल फ्रैक्चर होगा, ये सब अगर इसी पे केवल एनालाइज करें, तो हो सकता है कोई पार्ट ऐसा होगा जो छूट जाएगा, तो इसलिए हम लोग उसको मिसिंग करते हैं। देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ भी है,
इट इज अ इंटरनल पार्ट ऑफ द इंजीनियरिंग सिमुलेशन प्रोसेस। ये इंजीनियरिंग सिमुलेशन जो प्रोसेस होता है ना उसका इंटरनल पार्ट है। वेयर देखिए, जहाँ पे हम लोग कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्री को डिवाइड करते हैं सिंपल एलिमेंट में, कोई भी कितना भी कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्री, जैसे वैसे ऐसे वायर वगैरह होता है ना कॉम्प्लेक्स वगैरह, मान लीजिए कोई मॉडल है बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है तो उसको हम लोग एनालिसिस करना हो तो उसको छोटा छोटा पार्ट में, ऐसा है तो कॉम्प्लेक्स है तो कोई ना कोई पार्ट छूट जाएगा, इसलिए उसको हम लोग सिंपल एलिमेंट में तोड़ देते हैं। उसको देखिए उसमें क्या लिखा है, देखिए देखिए ये क्या होता है ना कि जैसे एप्रोक्स ना ये एक्यूरेट हो जाए, जैसे हम लोग एनालिटिकल मटेरियल से करेंगे तो वो तो एक्यूरेट होगा क्योंकि देखिए न्यूमेरिकल उसका डाटा निकाल के न्यूमेरिकल करेंगे तो एक्यूरेट होगा, लेकिन ऐसे ना इसमें वो बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे मेस करते हैं, उसका छोटा छोटा पार्ट करेंगे, उस पार्ट से सॉफ्टवेयर पे हम लोग उसका एनालाइज कर लेते हैं। तो मेसिंग वही होता है, कोई भी सिंपल वे में देखिए, कोई भी बड़ा सा एलिमेंट है या बड़ा सा कोई आपका प्रोडक्ट है उसको छोटा छोटा पार्ट में तोड़ना, उसको हम लोग मेसिंग करते हैं और क्या बस। हाँ यहाँ पे आप मेसिंग देख रहे हैं तो अच्छा उसको करेंगे, अभी रुकिए मेस हो गया आपका। तो अब देखिए टाइप ऑफ मेस के क्या क्या होता है, मेस तो हो गया, तो मेस का टाइप ही तो होता है, तो क्या क्या होता है। तो देखिए जनरली हम लोग का मेस का टाइप होता है ना बहुत सारा होता है, बहुत सारा मेसिंग होता है, लेकिन हम लोग एनसीएस में 2D ज्योमेट्री के लिए ना हम लोग दो ठो मेस का यूज करते हैं, एक तो ट्रेंगुलर और एक क्वाड्रिलेटरल का यूज करते हैं, और वही हम लोग 3D ज्योमेट्री का यूज करते हैं ना तो टेट्राहेड्रल का करते हैं, हेक्साहेड्रल का करते हैं, कभी कभी तो हम लोग पॉलीहेड्रल का भी कर लेते हैं। ये सब हमारे यूज के ऊपर है, हम लोग देखते हैं कि ज्योमेट्री कितना कैसा ज्योमेट्री है, क्या है उस सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हुआ तो उसमें कौन सा यूज करेंगे, वो अपने ऊपर डिपेंड करता है, हम लोग ज्योमेट्री के अबाउट अकॉर्डिंग उसको हम लोग डिसाइड करते हैं। अब हम लोग देखते हैं, देखिए हाँ मेस जो होता है ना, मेसिंग हम लोग जो करते हैं तो उसमें देखिए मेसिंग करते हैं तो उसमें ना जाता है कि स्क्रूनेस आ जाता है, जैसे क्वालिटी ऑफ मेस होता है ना, मेस तो हम लोग कर लिए एलिमेंट हो गया, उसका क्वालिटी भी तो होना चाहिए, क्या 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 क्वालिटी है उसका, मान लीजिए मेस का दी इतना बड़ा बड़ा हम साइज, इतना बड़ा एलिमेंट है उतना इतना बड़ा बड़ा साइज कर दें तो वो उसका क्वालिटी भी होना चाहिए, मान लीजिए इतना बड़ा कर दिया उस फिर एनालिसिस करने से क्या फायदा, जब इतना बड़ा रहेगा इतना बड़ा कर लेंगे तो इतना बड़ा एनालिसिस हम नहीं कर सकते हैं। देखिए तो वही क्वालिटी का बात करते हैं, तो देखिए उसमें सबसे पहले आता है ना स्क्रूनेस होता है, स्क्रूनेस होता क्या है, देखिए स्क्रूनेस कुछ नहीं होता है, ये ना फंक्शन होता है किसका, देखिए स्क्रूनेस मतलब समझ रहे हैं आप है? ये जैसे एंगल, इस देखिए ये रेशियो होता है इंटरनल एंगल का और परफेक्ट एंगल के बीच का जो रेशियो होता है ना उसको हम लोग स्क्रूनेस बोलते हैं। अब देखिए हम लोग तो ये तो देख लेंगे कि मान लीजिए स्क्रूनेस हम निकाल लिए, इंटरनल एंगल और एक्यूरेट एंगल जो है उसका हम लोग रेशियो निकाल दिए, उसका रेशियो कुछ भी आ गया तो हमको ये कैसा पता चलेगा कि ये अच्छा है कि बाद है खराब है कि क्या है। तो देखिए उसके लिए हम लोग क्या करते हैं ना, एक ना टेबल दिया होता है, कहीं पे भी जाइएगा ना इंडस्ट्री वगैरह में तो वहाँ पे सब मिल जाएगा आपको इजीली। तो देखिए वहाँ पे टेबल क्या होता है ना, 0.9 से 1 के बीच में जो स्क्रूनेस होगा ना तो उसको हम लोग बहुत ज़्यादा बैड एलिमेंट कहेंगे, वो एलिमेंट जो होगा बहुत ज़्यादा बैड होगा, मेस के बाद जो एलिमेंट होगा उसका स्क्रूनेस अगर 0.9 से 1 के बीच में होगा वो बैड एलिमेंट होगा, वो उसको हम लोग समझ लिए कि खराब एलिमेंट होगा, उसको हम यूज नहीं करेंगे। वही देखिए अगर 0.75 से 0.9 के बीच में होगा ना उसको हम लोग पुअर एलिमेंट बोलते हैं, मतलब कि उसका भी यूज ना ही के बराबर करेंगे। अब देखिए 0.5 से 0.75 के बीच में होगा ना उसको हम लोग बोल सकते हैं फेयर एलिमेंट, वो कुछ कुछ हम लोग का काम आ सकता है। अगर देखिए 0.25 से 0.75 एलिमेंट होता है ना वो अच्छा एलिमेंट होता है, और देखिए 0.0 से 0.25 के बीच में होता है ना तो उसको हम एक्सीलेंट बोलते हैं। मतलब ये समझिए कि जैसे जैसे स्क्रूनेस का वैल्यू 1 से नीचे जाता है उसका क्वालिटी ऑफ मेस इंक्रीज करता है, बात को समझ रहे हैं, जैसे जैसे स्क्रूनेस का वैल्यू 1 से नीचे जाएगा 1 से डाउन जाएगा वैसे वैसे स्क्रूनेस हम मेरा मेस का क्वालिटी इंक्रीज करेगा, और जैसे जैसे अब 1 से ज़्यादा जाएगा 2 आएगा 3 आएगा 4 आएगा तो क्या होगा ना स्क्रूनेस का वैल्यू मतलब स्क्रूनेस का तो वैल्यू तो बढ़ गया 1 2 3 4 5 हो गया तो वो हो जाएगा ना आपका मेस का क्वालिटी होगा बहुत ज़्यादा रफ हो जाएगा बहुत ज़्यादा उसको हम लोग समझ लिया उसको यूज करने लायक ही नहीं रहता वो रफ हो जाता। तो अब देखते हैं एक और होता है उसका एस्पेक्ट रेशियो होता है, तो ये क्या होता है, ये क्या होता है ना देखिए इट इज द रेशियो ऑफ द एज लेंथ, ये क्या होता है ना जैसे आपका देखिए लॉन्गेस्ट साइड का जो एज होता है ना, देखिए एस्पेक्ट लॉन्गेस्ट साइड का जो एज होता है उसका और शॉर्टेस्ट साइड का एज होता है एलिमेंट का
जो शॉर्टेस्ट साइड होता है और जो लॉन्गेस्ट साइड और शॉर्टेस्ट साइड का डिफरेंस जो होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्पेक्ट रेशियो बोलेंगे। स्पेक्ट रेशियो मीन्स लॉन्ग लॉन्गेस्ट साइड डिवाइड बाई शॉर्टेस्ट साइड, तो उसका जो रेशियो आएगा ना उसको हम बोलेंगे स्पेक्ट रेशियो। देखिए स्पेक्ट रेशियो कभी भी होना क्या चाहिए, सही के लिए वन होना चाहिए, स्पेक्ट रेशियो हमेशा वन होना चाहिए। अगर उससे ना वैरी किया ना वन ज़्यादा या कम तो वो ना क्वालिटी ऑफ मेस को खराब कर देता है। देखिए स्क्रूनेस का बात क्या बताया था, स्क्रूनेस का बताया थे कि वन से हमेशा कम होना चाहिए, हमेशा अगर जितना कम होगा जीरो के जितना करीब जाएगा वो ना स्क्रूनेस आपका उतना ही ज़्यादा हो जाएगा, जीरो के करीब जाएगा उसको उसको हमेशा मतलब कि हमेशा स्क्रूनेस का वैल्यू वन से नीचे होना चाहिए और जीरो के नज़दीक होना चाहिए, तो उसको हम लोग मेस का जो मेसिंग होता है उसका क्वालिटी गुड होता है। और वही हम लोग एस्पेक्ट रेशियो का बात करते हैं तो एस्पेक्ट रेशियो हमेशा वन होना चाहिए। अब देखिए ये सब तो हो गया, अब देखिए और अगर और हम लोग कुछ चीज़ें देखें तो उसमें देखिए एक होता है ना, देखिए ये सब तो आपका हो गया बेसिक, इसमें देखिए एस्पेक्ट रेशियो और स्क्रूनेस जो है ना वो थोड़ा कम पूछता है, लेकिन हाँ देखिए इसके जगह पे जानते हैं क्या पूछता है, इसके जगह पे आपसे पूछ देगा कि जैसे हम लोग कमांड जैसे कि कमांड का यूज करता है, देखिए देखिए एक्सक्लूड कमांड, रिमूवल कमांड, स्वीप कमांड, ये सब पूछ देता है। तो सबसे पहले तो पूछेगा मान लीजिए एक्सक्लूड कमांड होता है क्या, तो एक्सक्लूड कमांड मीन्स क्या, एक्सक्लूड मतलब क्या, उसको जैसे कोई भी 2D एलिमेंट बनाए ना आप, 2D में कुछ भी बना लीजिए, रेक्टेंगुलर बना लीजिए, सर्कल बना लीजिए, कुछ भी बना लीजिए, उसको एक्सक्लूड कर दीजिए मतलब कि उसको बाहर की तरह सतह को निकाल दीजिए, तो हो गया एक्सक्लूड कमांड। जैसे मतलब कि एक सिलेंडर आपको ना हॉलो पाइप बनाना है, हॉलो पाइप बनाना है ठीक, उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, पहले तो सर्कल बनाइए, सर्कल को फिर क्या कीजिए एक्सक्लूड कर दीजिएगा मतलब कि उसको बढ़ा दीजिएगा, जैसे इतना है उसको बढ़ा दीजिएगा तो वो क्या हो जाएगा एक्सक्लूड हो जाता है। अब रिजॉल्व का बात करते हैं तो जैसे मंदिर का घंटी देखे हैं, वो कहता है ना ऐसे ऐसे गोल होता है ऊपर ऐसे ये होता है, तो देखिए एक शेप ऐसे होता है ना ऐसे, तो उसका क्या होता है ना कि देखिए हम लोग एक्स वाई प्लेन में ये देखिए एक्स और वाई प्लेन है ना, इसमें ना हम लोग ऐसे करके बना देंगे ऐसे कुछ है जो ठीक है बना देंगे वैसे, और उसके बाद ना उसको रिजॉल्व कर देंगे, तो रिजॉल्व में होगा क्या ना ये वाला एंगल जो ये वाला जो देख रहे हैं आप एक्सिस, इस एक्सिस के अबाउट रिजॉल्व हो जाएगा, जिस भी एक्सिस के अबाउट आप रिजॉल्व करना चाहें उसको उस एक्सिस को सिलेक्ट करके उसके बाद रिजॉल्व कर दीजिएगा, तो वो क्या करेगा ना ये जैसे ऐसे रहता है ऐसे आपने इधर बनाया था और रिजॉल्व कीजिएगा तो ऐसे हो जाएगा पूरा ऐसे पूरा ऐसे हो जाएगा, तो वो आपका हो जाएगा रिजॉल्व कमांड हो गया। आपका स्वीप कमांड हो गया ना, जैसे पाइप वगैरह देखें कहीं कहीं तिरछा तिरछा ऐसे ऐसे पाइप लगा रहा था तिरछा तिरछा जैसे, तो जैसे देखिए मान लीजिए ये देखिए मेरा तो ये तो वायर है लेकिन देखिए ये ऐसे तिरछा तिरछा है ना, ऐसे तिरछा हो गया फिर ऐसे हो गया, तो इसमें ज्वाइंट नहीं करना है ठीक ना, ऐसे हमको बनाना है पाइप, तो क्या करेंगे ना हम लोग इसके लिए एक तो लाइन ड्रॉ कर लेंगे, लाइन ड्रॉ करेंगे मतलब तिरछा तिरछा लाइन के लिए हम लोग ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे ना जैसे कर्व कर्व वगैरह कर लिए दो तीन तो कर्व वगैरह में जोड़ दिए, उसके बाद क्या करेंगे उसका ना ऊपर का जो पोर्शन था ना उसको या सर्कुलर हमको स्वीप कराना है तो सर्कुलर एक पार्ट बना लेंगे, उसके बाद वहाँ पे स्वीप कमांड का यूज करके उसको लाइन को क्लिक करके उसको स्वीप कर, तो जनरली देखिए स्वीप कमांड का यूज ना हम लोग करते हैं ना पाइप वगैरह बनाने में करते हैं, यही आपसे पूछेगा रिजॉल्व का क्या करेगा, तो रिजॉल्व को ना एक एक्सिस से दूसरे एक्सिस में रोटेट करने के लिए, जैसे एक एक्सिस में है उसी उस चीज को ही दूसरे एक्सिस के अबाउट रोटेट करके वो पूरा शेप मिलाने के। स्क्रूड का कमांड तो आप जानते हैं, स्क्रूड का मतलब हो गया कि आपको ना जैसे 2D एलिमेंट 3D में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग स्क्रूड का यूज करते हैं। अब देखिए ये सब तो हो गया, अब देखिए सबसे पहले आपसे पूछेगा जानते हैं कि आप वो सब तो हो गया, अब पूछेगा आपको कि जैसे एनसीएस का जो फाइल होता है ना वो किस में सेव होता है। देखिए क्वेश्चन तो आपको देखने में बहुत ज्यादा इजी लग रहा है कि एनसीएस है उसमें फाइल सेव करेंगे किस में सेव होगा ठीक, लेकिन आप कभी ये नहीं सोचे होंगे ना कि ये भी क्वेश्चन इंटरव्यू वाला पूछ सकता है कि किस में सेव होता है। तो देखिए उसका सबसे देखिए आप अगर एनसीएस में फाइल सेव कीजिएगा, एक मिनट रुकिए मेरा सेव होगा ही कहीं पे, हम आपको दिखाना चाहते हैं। देखिए मान लीजिए ये फाइल को ओपन करते हैं, देखिए किस चीज में सेव हुआ है, ये देखिए WBPJ, तो ये हो गया इस एनसीएस का जो फाइल होता है वो WBPJ में सेव होता है ठीक, एनसीएस का फाइल जो होता है WBPJ में सेव होता है ठीक।
और हाँ आपसे ना पूछ देगा कि ठीक है बाबू तुमने एनसीस कर रहे हो, ठीक है मान लो ना हम तुमको ना सॉलिड वर्क या कैटिया से हम लोग कोई मॉडल बना के दे दिया 3D। अब ना हम बोलेंगे ना कि तुमको ना उसको एनसीस में क्या करना है ना, एनसीस में उसको एनालाइज करना। हम तो बना मान लीजिए सॉलिड वर्क में तो एनालाइसिस होता नहीं है, तो उसमें क्या हुआ ना, हम बोल दिए कि मान लीजिए सॉलिड वर्क में हम मॉडल बना दिए कुछ भी, और उसके बाद ना बोले ना कि बाबू तुमको ना एनसीस में उसको एनालाइज करना, एनालिसिस करना। तो उसके लिए क्या करेंगे, अब सॉलिड वर्क वाला तो फाइल जो सेव होगा वो तो एनसीस में चलेगा नहीं। तो उसके लिए देखिए हम लोग क्या करते हैं कि देखिए एनसीस के अलावा किसी और सॉफ्टवेयर से अगर एनसीस में हम लोग को फाइल रन कराना है, उसको एनालाइज करना है एनसीस में, तो हम लोग क्या करेंगे ना, सॉरी मान लीजिए हम एग्जाम्पल के तौर पर सॉलिड वर्क लेते हैं। सॉलिड वर्क में कोई फाइल है उसको हम बना के सेव कर लिए अपना, उसमें जो भी सेव होता है उसके बाद एनसीस में बुलाना है, तो वैसे तो हूबहू फाइल तो आएगा नहीं। उसके लिए हम क्या करते हैं ना, सॉलिड वर्क में जाएंगे, उस फाइल को ओपन करेंगे, उस फाइल को हम लोग क्या पे IGS में सेव करेंगे। फाइल को सेव कीजिएगा ना, चूंकि एक मिनट देख लेते हैं होगा कुछ तो, एक मिनट रुकिए। देखिए सेव एज को करना, मान लीजिए इसको सेव करना तो सेव एज में किए, ये देखिए मान लीजिए देखिए WPJ ये तो एनसीस में सेव हो रहा है, लेकिन इसमें देखिए अच्छा ये एनसीस का है ना, तो इसीलिए एनसीसी दिखा रहा है ये। अगर सॉलिड वर्क में खोलिएगा ना तो उसमें ना आपको दिखाएगा कि जैसे उसमें ना बहुत सारा फाइल आ जाएगा। जैसे हम लोग नहीं PDF सेव करते हैं, तो कभी होता है कि PPT में सेव करना, वर्ड में हम लोग टाइप किया तो उसको सेव करना था, PDF में सेव कर रहे हैं कि किसी और चीज़ में सेव कर रहे हैं, वो भी हम लोग चूज कर सकते हैं। वैसे होता है सॉलिड वर्क ये सब में होता है ना, जैसे IGS नाम का एक आता है उसमें हम लोग सेव करते हैं। अगर उसमें हम लोग सेव करेंगे ना तो वहां से ना फिर हम लोग एनसीस में आएंगे, और एनसीस में आके फाइल को जैसे एक्सपोर्ट करते हैं ना इसमें एनसीस में, तो वैसे ही ना वहां पे जाएंगे और उसको ना वो वाला फाइल को एक्सपोर्ट कर लेंगे, फाइल से IGS फाइल में सेव कर देंगे, और एनसीस पे आके वहां पे एनसीस में आए ना, यहाँ पे फाइल में ओपन किए यहाँ पे, और देखिए यहाँ पे ओपन पे क्लिक करेंगे, ओपन पे यहाँ पे क्लिक करेंगे, ठीक ओपन पे क्लिक करेंगे। अब वो जो फाइल होगा ना देखिए यहाँ पे WPJ JBIN ये सब में सेव होता है, तो देखिए यहाँ पे ये होता है, देखिए ये सब फाइल होता है ना, ये सब में ये सब चीज एनसीस का सेव होता है। तो देखिए वहां पे भी सॉलिड वर्क में भी आएगा, तो सेव कीजिएगा ना, तो वहां पे यहाँ पे जाके एक्सपोर्ट कीजिएगा, यहाँ से देखिए इम्पोर्ट कीजिएगा, इम्पोर्ट कीजिएगा ना तो वहां पे आ जाएगा क्या कुछ कुछ डालने के लिए आता है। तो देखिए जैसे का फाइल यहाँ पे दिख रहा है आपको, इसमें देखिए IGS का इधर ऑप्शन आएगा कोई, तो वो फाइल चूज कीजिएगा यहाँ से, या वही वाला जो जो फाइल IGS का होगा ना वो चीज वो फाइल आपका यहाँ पे आ जाएगा। एक मिनट देखते हैं IGS का है कि नहीं मेरे में, IGS कि मेरे में ना IGS फाइल अभी सेव ही नहीं हुआ है, इसीलिए नहीं आ रहा है। तो IGS फाइल में हम अभी बना ही नहीं है इसीलिए नहीं आ रहा। तो जानते हैं IGS फाइल में सेव हो जाएगा, और वो IGS वाला फाइल है ना उसको हम लोग देखिए उस IGS वाला फाइल यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे इंपोर्ट कर लेंगे, इंपोर्ट करने के बाद फिर अपना एनालिसिस कर लेंगे, ये चीज होता है एनसीस। तो देखिए ये अगर एनसीस में अगर किसी अदर सॉफ्टवेयर का फाइल को हम लोग ओपन करना है, तो उस सॉफ्टवेयर में हम लोग IGS में जाके सेव करेंगे, उसके बाद एनसीस में आके उसको इंपोर्ट कर लेंगे, ठीक। इतने ये आपका हो गया बेसिक क्वेश्चन हो गया, इससे ज्यादा ना एक दो क्वेश्चन होता है और वो मेरे माइंड में अभी नहीं आ रहा है, उसके बाद ना और कुछ पूछता ही नहीं है इसमें। देखिए एक दो और क्वेश्चन है, जैसे लोकल कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है, ग्लोबल कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है, तो बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए इसमें क्या होता है ना, लोकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में आपका होगा ना कि जो अपना देखिए जो कोऑर्डिनेट जो होता है ना वो चेंज करेगा ओरिएंट एलिमेंट के ओरिएंटेड के साथ, उसको हम लोग बोलेंगे। लेकिन जो ग्लोबल होता है ना वो चेंज एलिमेंट के ओरिएंटेड के साथ चेंज नहीं करता है, उसको हम लोग कहते हैं ग्लोबल कोऑर्डिनेट सिस्टम।
तो यही सब क्वेश्चन आता है जनरली एनसीएस के लिए। इतना क्वेश्चन तो काफी होता है आपका कॉलेज वाइवा वगैरह के लिए। हाँ इंडस्ट्री में जाइएगा ना तो थोड़ा सा उसमें और डीप मिल जाता है, लेकिन उतना नहीं। आपको उसको क्या करते हैं, देखिए सबसे पहले तो इंडस्ट्री वगैरह में ज्यादा ये होता नहीं है, वो लोग ना जो आपको सिखाएगा ना वही कराएगा। हाँ थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट आपको कॉलेज का होना चाहिए, सॉफ्टवेयर के रिगार्डिंग भी आपको सॉफ्टवेयर चलाने आना चाहिए और उसके बारे में जनरल जो बेसिक जो अभी बताया ना वो सब चीज़ पता होना चाहिए। बाकी सो वो सब सिखाता है वही बताता है। बाकी भाईवा कॉलेज भाईवा इंटरव्यू के लिए इतना आपके लिए काफ़ी है। तो ठीक है चलिए मिलते हैं फिर और किसी टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय बाय।